गांजा का नहीं कालाबाजारी हो रहा है क्या, अफीम का नहीं हो रहा है क्या? यानी अनपढ़ आदमी राजनीति करेगा तो क्या सोच होगा बिहार के बारे में? हम तो कह रहे हैं कि आप नौवां पास है, आपको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है। कहा कि दो हड़िया दही चूरा खा के चला गया। जीवन में पूरी ताकत के साथ जितना अपमान करना चाहिए था कर्पूरी ठाकुर को, उतना अपमान लालू जी ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या की एक एक्स पर पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। खास करके यूँ कह सकते हैं कि JDU नेताओं की उनकी इस पोस्ट से मिर्ची लग गई है और वे लोग खासा नाराज हैं। हमारे साथ इस वक्त JDU के प्रवक्ता निहोरा यादव जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर रोहिणी आचार्या ने जो पोस्ट किया है कि सिंदूर तेरे नाम की लगाऊंगी, तो ये पोस्ट के बाद आप लोग क्यों परेशान हैं? अब रोहिणी आचार्या बेटी है, उस पर मैं क्या कहूँ। शायद सिंगापुर जाने के बाद में इस बिहार और देश के सभ्यता और संस्कृति को भूल गई है। अब इससे अधिक क्या कह सकते हैं कि बिहार और हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है, इससे अधिक उस पर कुछ नहीं बोल सकते। जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि CM नीतीश जो है बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं BJP के सामने, तो उसी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि आखिर इस तरह की बात वो बार बार क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता उनके जैसे सीनियर लीडर को क्यों पड़ रही है? अब वो क्या समझने गई, जिस प्रकार आंखें बिछाए लोग खड़े हैं नीतीश कुमार जी के लिए, भ्रम फैला रहे हैं, तो जनता के बीच में इस भ्रम को भी क्लियर करना आवश्यक है। अब बताइए, दो दिन पिछले साल के वीडियो RJD के माध्यम से ये चलाना कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने गए हैं, क्या मतलब है? क्यों चला रहे हैं आप? आप तो बेचैन हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे पक्ष में खड़े हो जाएं, लेकिन ये नहीं संभव है। हम जहां गए हैं वहां मजबूती के साथ रहेंगे, और इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहना पड़ रहा है कि जो कन्फ्यूजन और भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो गलत है। जी, लेकिन तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पे, कहीं आप लोग उससे तो घबराए हुए नहीं हैं? नहीं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए बिहार में। अब बिहार के हालात को, इनके पिताजी के काल में, माताजी के काल में था, और अभी क्या काल है, कंपैरिजन अध्ययन भी करना चाहिए। समस्तीपुर से शुरू कर रहे हैं शायद जी पद यात्रा, तो वहाँ कर्पूरी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मस्थली है, उनकी प्रतिमा भी लगी है, तो अपने पिताजी के पाप का पश्चाताप उनके मूर्ति के सामने झुककर करना चाहिए इनको। अब क्या पाप था? जीवन में कभी भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले कभी नहीं मांग किया इन्होंने। आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और इसके साथ ही उनके जीवन काल में जितना अपमान लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को किया, इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक बार की कहानी है, मैं बता दूं कि कर्पूरी जी को असेंबली से घर जाना था खाना खाने। कर्पूरी जी ने कहा कि लालू जी अपने गाड़ी से हमको घर छोड़वा दीजिए। लालू जी ने कहा कि मेरे गाड़ी में
पेट्रोल नहीं है, आप रिक्शा से चले जाएंगे। और इतने बड़े नेता को यह कहते हुए थोड़ी सी भी झिझक लालू यादव को नहीं आया, जबकि लालू यादव के नेता हैं वो। इस प्रकार कहना तो कहीं नहीं कर्पूरी ठाकुर को अपमान करना है। तीसरी बात, जब पार्टी टूटी लोकदल कौर च बिहार में हुआ, लालू यादव चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए, तो एक बयान उनका छपा, कपटी ठाकुर कहा। अरे लालू ने कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा, और ये कहा जब मिलने गए कर्पूरी जी, कहा कि दो हड़िया दही चूरा खा के चला गया। ये सब क्या शब्द है, क्या दर्शाता है? जीवन में पूरी ताकत के साथ जितना अपमान करना चाहिए था कर्पूरी ठाकुर को, उतना अपमान लालू जी ने किया, तो इसके लिए तेजस्वी को जाकर वहाँ माफ़ी मांगना चाहिए। लालू जी ने क्या किया नहीं किया, तेजस्वी जी से क्यों माफ़ी मांगने कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके बेटे हैं, बस इसलिए? उस उत्तराधिकारी हैं, बेटा के हैसियत से नहीं हम कर रहे हैं। लालू यादव और पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, तो जो नेता और पार्टी जो पाप किया है उसके लिए तो माफ़ी उनको मांगना ही चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहते हैं कि आप लोग जो भारत रत्न की जिक्र करते हैं, तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में एक सभा में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जो लोग भारत रत्न देने और दिलाने का दंभ भरते हैं, वो लोग जब वो जिंदा थे तो उनको गाली दिया करते थे, विधानसभा में, विधानसभा के बाहर नारे लगते थे कर्पूरी जी के, मतलब यहाँ तक कि उनकी माँ को लगाकर गाली दी गई। बात सही है, उसमें कहीं दो पत्नी, लेकिन पार्टी के लोग नहीं, जो सोशलिस्ट हैं वो नहीं, जो विपरीत विचारधारा के लोग थे इनके, दूसरे पार्टी के लोग थे। आरक्षण लागू करने के बाद उन लोगों ने गाली बका, मैं भी जानता हूँ, उस आंदोलन में हम लोग जेल भी रहे, आरक्षण आंदोलन में। लेकिन आपने क्या किया? आप तो कुछ किया नहीं। कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू किया, इतने बड़ा आंदोलन हुआ, पक्ष में तो आपके पिताजी खड़ा हुए नहीं। हम लोग कहने गए थे कि कम से कम मीटिंग में आइए, कभी लालू यादव झांकने नहीं गए उस आंदोलन में। अरे आरक्षण के पक्ष में आंदोलन हो, आप इतने बड़े नेता नहीं जाइए, तो आपका मनसा क्या कहता है, मन क्या कहता है, स्पष्ट है। सीएम नीतीश लगातार यात्रा कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि अचानक से वो लगातार हर दूसरे दिन या हर रोज़ करीब करीब वो यात्रा पर निकल रहे हैं? देखिए कारण कुछ नहीं, कारण विकास है। जिलों में जो योजनाएँ दी गई हैं या विकसित करने का, उन योजनाओं की प्रगति क्या है, या कहाँ कहाँ और कमियाँ रह गई है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इन चीज़ों को देखकर बिहार में विकास की गति कैसे तेज हो, इसके लिए घूम रहे हैं। यह फर्क यही है कि तेजस्वी सत्ता के लिए घूम रहे हैं और नीतीश कुमार विकास के लिए घूम रहे हैं, फर्क ये है। वो तो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जो हैं थक गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और हम अब उनसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे, क्योंकि 17 महीनों में हमने काफ़ी अच्छा काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, जाति सर्वे करवाया, ऐसे कई उदाहरण वो गिनवाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप 9वां पास है, आपको राजनीति का ABCD नहीं मालूम है, तो मान लेना चाहिए, राजनीति से हट जाना चाहिए इनको। अनपढ़ आदमी राजनीति करेगा तो क्या सोच होगा बिहार के बारे में? अब जो इनके पिताजी तो पढ़े लिखे थे, लॉ किए हुए थे, तो उनका विचार तो बिहार के लोगों ने देखा ही, और 9वां पास है, आपका सोच क्या होगा, आपका विचार क्या होगा, जनता जानती है चीज़ को। ये बताएं कि आपके सहयोगी हैं मांझी जी, जीतन राम मांझी, और अक्सर वो शराबबंदी को लेकर कोई ना कोई बयान देते हैं। अभी भी उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, क्या JDU इसके पक्ष में है? नहीं, समीक्षा तो हर चीज़ों का होना चाहिए, और शराबबंदी की समीक्षा कई बार हुई है और लाभ मिला है, आंकड़े आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं
भारत की सरकार के माध्यम से भी जो आंकड़े हैं कि शराबबंदी से कितना बिहार को फायदा हुआ है, आपराधिक घटनाएं घट गई, सड़क दुर्घटनाएं घट गई, कम हो गई, जो महिलाओं को घरेलू प्रताड़ना हुआ करता था वो करीब करीब समाप्त हो गया। तो कई ऐसे जो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा था शराबबंदी से समाज में, अब खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। जी, आपको नहीं लगता कि मांझी जी किसी उकसावे में इस तरह के बयान देते हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मांझी जी क्यों बयान दे रहे हैं, आपके सहयोगी हैं, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा मांझी जी से कि पूरे शराबबंदी के फायदे को एक बार अध्ययन कर लें। वो तो कहते हैं सर कि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है और शराबबंदी की उस पर मार पड़ी है। नहीं, क्यों शराबबंदी की मार पड़ी? शराबबंदी से तो फायदा हुआ उनको, आज महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में है, और यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं महिलाएं आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ी रहती है। लेकिन उनका ये कहना है सर कि शराबबंदी की वजह से जो है शराबबंदी जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, गरीब गुरबा लोगों के लिए है, और ये कहने को शराबबंदी है, जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ होम डिलीवरी हो रहा। देखिए, जब भी किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगता है तो उसकी कालाबाजारी होती है। गांजा का नहीं कालाबाजारी हो रहा है क्या? अफीम का नहीं हो रहा है क्या? तो लेकिन कानून बना है उसके लिए, जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो गिरफ्तार होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और सरकार की तरफ से रोकने का उपाय की जाती है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जो भी शराब पीते पकड़े गए, जो भी डिलीवरी करते पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई तो होती है। लेकिन जो आपके विपक्ष में है आरजेडी, खास करके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कहते हैं कि आप लोग एक पैरलर इकोनॉमी चला रहे हैं इसके जरिए, शराबबंदी के जरिए। असल में फिर मैं वही बात कहूँगा, जो मंदिर में, मस्जिद में, घर में, गुरुद्वारा में अपने परिवार के माध्यम से शराब बेचवाते थे, आज तो उनको दिक्कत हो रही है। सारे शराब का ठीका आप उलट के देखिए आरजेडी के काल में किन लोगों के हाथ में रहा, और यही कारण है कि जो शराब बड़े शराब व्यापारी, कलकत्ता के बड़े शराब व्यापारी, जिससे पार्टी फंड में करोड़ों रुपया चंदा लिया इन्होंने, हम लोगों ने तो शराब व्यापारी से चंदा नहीं लिया है, ये लोग चंदा लेने वाले हैं, साठ गांठ है शराबबंदियों शराबी व्यापारियों से, शराब माफियाओं से, इन लोगों का साठ गांठ आज से नहीं शुरू से रहा है इन लोगों का। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। तो ये थे जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम नीतीश विकास की समीक्षा करने के लिए यात्रा करते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सत्ता पाने की यात्रा करने जा रहे हैं। इन दोनों यात्रा में यही फर्क है, इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।